नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 फीट बाय 32 फीट का बढ़िया सा प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डायरेक्शन से हमने 15 फीट रखा और इस डायरेक्शन से 32 फीट। यहाँ पे हमने मेन 6 फीट वाइड का मेन डोर या मेन एंट्री कह सकते हैं रखा है। उसके बाद यहाँ पे एक हमने बरेंडा का डिज़ाइन किया है जिसका साइज 5 फीट बाई 4 फीट है। इस डायरेक्शन से 4 फीट हमने रखा है और इस डायरेक्शन से 5 फीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डबल डोर 4 फीट का डबल डोर प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे एक हमने 4 फीट वाइड का कॉरिडोर रखा है, तो पैसेज भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक बेडरूम का डिज़ाइन किया है जिसका साइज 9 फिट बाई 9 फिट है। इस डायरेक्शन से 9 फिट और इस डायरेक्शन से भी 9 फिट होगा। इस बेडरूम के डोर को हमने 3 फिट का रखा है। विंडो को हमने 4 फिट प्रोवाइड किया है। यहाँ पे हमने एक हॉल का डिज़ाइन किया है जिसका साइज 8 फीट बाई 8 फिट है। इस डायरेक्शन में 8 फीट रखा है और इधर से भी हमने 8 फीट रखा है। यहाँ पे हमने किचन का प्लान किया है जिसका साइज 7 फीट बाई 5 फिट है। इस डायरेक्शन से हमने 7 फीट रखा है और इस डायरेक्शन से 5 फीट। किचन का डोर को हमने 2 फिट चेंज कर रखा है। किचन का विंडो को हमने 3 फीट का प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे एक और बेडरूम का डिज़ाइन किया है जिसका साइज 10 फीट बाई 9 फीट है। इस डायरेक्शन से 9 फीट और इस डायरेक्शन से हमने 10 फीट रखा है। बेडरूम के डोर को 3 फीट रखा है, डबल डोर है। विंडो को हमने 4 फीट का रखा है। यहाँ पे हमने एक कॉमन बाथरूम का डिज़ाइन किया है जिसका साइज 4 फीट बाई 6 फीट है। इस डायरेक्शन से 4 फीट रखा हमने और इस डायरेक्शन से 6 फीट रखा है। बाथरूम के डोर को हमने 2 फीट का रखा है और वेंटिलेशन को हमने 3 फीट का रखा है। हॉल के 2 विंडो को हमने 3 फीट और 3 फीट का रखा है। यहाँ पे हमने एक छज्जा प्रोवाइड किया है 2 फीट वाइड का। यहाँ पर भी हमने सनशेड प्रोवाइड किया है 2 फीट वाइड का। प्लान का टोटल एरिया की बात करें तो 480 स्क्वायर फीट होगा। प्लान का एस्टिमेटेड कॉस्ट हो जाएगा 5 से 6 लाख रुपया। स्टेयर को हमने 5 फीट बाई 5 इंच का रखा है। लैंडिंग का हमने रखा है 5 फीट बाई 5 इंच का।